प्लीज स्टॉप इट। क्या बकवास लगाई भी, क्या बोले जा रही हो तुम? प्यार व्यार कहां से बीच में आ गया? तुमसे किसने कहा कि मैं तुम जैसी मोटी लड़की से शादी करूंगा? इनफैक्ट तुमसे तो कोई भी शादी नहीं करेगा। फराज, ये मैंने तुम्हारे नोट्स भी कंप्लीट कर दिए थे और असाइनमेंट भी बना दी। थैंक्स यार। ओ फराज, मुझे मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ हाँ कहो। वो अब एक एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद हमारी स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं चाहती थी कि उसके बाद तुम अपनी फैमिली को मेरे घर पर लेकर आओ। मामा पापा मिलकर बहुत खुश होंगे। क्यों? मेरे रिश्ते के लिए और क्यों? तुम्हारे रिश्ते के लिए। लेकिन 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 कुछ नहीं, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि स्टडीज के बाद तुम जॉब ढूंढोगे, तुम्हें कुछ टाइम चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। प्लीज स्टॉप इट। क्या बकवास लगाई भी, क्या बोले जा रही हो तुम? प्यार व्यार कहां से बीच में आ गया? तुमसे किसने कहा कि मैं तुम जैसी मोटी लड़की से शादी करूंगा? इनफैक्ट तुमसे तो कोई भी शादी नहीं करेगा। लेकिन फराज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ही तो कहते हो कि मैं तुम्हारी हम्टी डम्टी मिस बलून। तो मुझे लगा कि तुम्हें क्या लगा, मजाक था यार वो सब। सीरियस ही हो गए? तुमसे शादी करके मैं एक बेजोड़ जिंदगी गुजारूंगा? आर यू लॉस्टेड? लेकिन तुमने तो कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे और मेरे बगैर तुम अधूरे हो। एक सेकंड, तुमने कभी खुद को आईने में देखा? एक बन कबाब के सांचे की तरह हो तुम। क्या हो गया, आउट ऑफ योर सेंसेस? अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझसे नोट्स क्यों बनवाए, असाइनमेंट्स क्यों बनवाए? अरे यार, मुझे वो काम करवाना था और लकीली तुम मिल गई। लेकिन माइंडेड के मेरे नोट्स बनाने में और असाइनमेंट बनाने में तुम्हारा ही गुड लक है, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में तुमसे कोई बात करना चाहता ही नहीं था। इनफैक्ट कभी कभी मैं सोचता था कि तुम बिजनेस पढ़ क्यों रही हो, ना तो तुम्हें कोई जॉब पर रखेगा, ना तुम्हारी शादी होगी, इनफैक्ट तुम अपना टाइम जाया कर रही हो। मैं मिडिल क्लास फैमिली से, मेरे पास बस माँ बाप है और तुम, मैंने तुम्हें अपना समझा था। Whatever, I don't want to listen this. और लेकिन अगर फ्यूचर में खुशकिस्मती से तुम्हें कोई लड़का इस मोटापे के साथ कबूल करके शादी करना चाहे, तो अपनी शादी में मुझे जरूर बुलाना, मैं खुशी खुशी उसकी बर्बादी देखना चाहूंगा। तुम्हें क्या लगता है,
कि तुम हार गई हो? तुम हारी नहीं और ना ही कभी हार सकती हो। अपने ये आंसू साफ करो। तुम्हें लोगों के लिए पहेली बनना है, खुद को कहानी मत बनाओ। तुम में किसी चीज की कमी नहीं जो जाहिरी रंग रूप देखकर तुम्हारी चाहत को ठुकराकर हंस दे। समझो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, फराज तुम्हारा कभी नहीं था, वो सिर्फ एक धोखा था।